नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बलिया में भाजपा मंडल प्रभारी मार्कंडेय शर्मा ने कहा कि अनुशासन से लोग मान बनते हैं। इंडिया टाइम न्यूज से संवाददाता समीर कुमार। यूपी जिला बलिया में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ग्राम जमुई 13 फरवरी 2019 को माँ सूरमुखी बाबा जगदेव इंटर कॉलेज के विदाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा मंडल प्रभारी मार्कंडेय शर्मा ने बच्चों को पुरस्कार वितरण करने के बाद बच्चों को कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो एक बार पी लेता है हर बार समय दौड़ता रहता। आप ही में से कोई डीएम, एसपी, एसएसपी, वैज्ञानिक देश के आजादी के जैसे राजनेता बनेंगे। अनुशासन से ही देश प्रदेश गांव परिवार में महान बनता है। आज इस मास सूर्यमुखी बाबा जगदेव इंटर कॉलेज के प्रांगण में आप इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय इस विद्यालय के आप अध्यापक नंदलाल गौर जी, इस विद्यालय में अध्यापक रहे आप चंदन शर्मा जी, इस विद्यालय के अन्य अध्यापक अध्यापिका, इस विद्यालय में पठन पाठन करने वाले एलकेजी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चे बच्चियां, आप सभी को मैं अपने तरफ से आने वाला बसंत पंचमी के त्योहार पर बार बार अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज जो आप लोग का ये कार्यक्रम हुआ है पुरस्कार वितरण का, जिस हिसाब से आप लोगों ने अपना अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया है, ड्रामा खेला है, दौड़ लगाई है, या जितने भी विद्यालय के तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है उसमें जो जो बच्चे बच्चे भाग लिए हैं, आज इनको इनाम मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ। आप लोग निरंतर बच्चों, आप लोग ये मत समझिए कि ये छोटा सा इनाम है, ये आपके भविष्य के लिए जो बड़ा इनाम साबित होगा, क्योंकि आपके अंदर ये हौसला रहेगा कुछ करने की, कुछ बनने की, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये विद्यालय परिवार जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता है, इससे आपका जो है कि एक इंटरव्यू भी होता है, आपके दिल दिमाग को तेज किया जाता है कि आप बोलने चालने में कहीं भी जाएंगे अपनी बात को किसी ऑफिस में रख सकते हैं। कभी कभार ऐसे देखने को मिलता है कि आपका विचार या आप सत्य हैं, लेकिन आप ऑफिस में अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, इस कारण से काम नहीं हो पाता है, ना आपकी बातों को सुना जा सकता है। तो इसलिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से दिल दिमाग जो विकास होता है, भविष्य में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको इनाम नहीं मिला है, आप अपने बड़े भाई बहनों से ये प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे, विकास अगले कार्यक्रम में हम भी भाग लेंगे और हम भी जो है कि बड़ा बड़ा इनाम हासिल करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग टीवी को देखते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, अपने मम्मी पापा से ये सुनते होंगे, क्या सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ा इनाम पाया, क्या पीटी उषा ने बहुत बड़ा इनाम पाया, क्या साइना नेहवाल ने बहुत बड़ा इनाम पाया। कहने का मकसद ये है कि जितने भी ये खिलाड़ी या संगीतकार या महान दौड़ लगाने वाले व्यक्ति, जितने भी आप नाम उनका सुनते हैं, विश्व स्तर पर उनका नाम होता है, तो इसी तरह से वो आगे बढ़े हैं। आप ही जैसे छोटे छोटे कॉलेज में धीरे धीरे बोल लें, चाल लें, दौड़ लें, खेल लें, तो उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ और धीरे धीरे वो जो है कि आगे बढ़े। तो मैं आप लोग को ज्यादा ना कहते यही कहना चाहूंगा, ये जो विद्यालय परिवार है, जो विद्यालय परिवार का रूल रिलेशन है, जो नियम है, उसके नियम के अनुसार आप पढ़िए,
और अनुशासन में रहिए। विद्यालय की जो